नमस्कार दोस्तों, आप चूड़ियों का महत्व तो जानते ही हैं। वैसे कहते हैं चूड़ियाँ शादीशुदा लड़कियाँ ही पहनती हैं, क्योंकि इनके महत्व के बारे में परंपरा है कि जो स्त्रियाँ शादीशुदा होती हैं वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए या धन समृद्धि के लिए चूड़ियों को पहनती हैं। कहते हैं चूड़ियों का टूटना भी अपशगुन माना जाता है। अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में चूड़ियाँ अलग अलग तरह की पहनी जाती हैं, लेकिन शादियों में चूड़ियों का महत्व एक ही माना जाता है। जानिए इस वीडियो के दौरान चूड़ियों का क्या महत्व है। नंबर एक, चूड़ियों का पारंपरिक महत्व होता है। कहते हैं चूड़ियाँ नवविवाहित स्त्रियाँ ही पहन सकती हैं, क्योंकि चूड़ियाँ पहनने से उनके जीवन में खुशियाँ और नए रंग भर जाते हैं। इसलिए भी चूड़ियों को नवविवाहित स्त्रियों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नंबर दो, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चूड़ियों का महत्व सोने की चूड़ियों से कहा गया है, लेकिन उसके साथ हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं। कहते हैं यह समृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि चूड़ियाँ पहनाते वक्त अब विवाहिता के हाथ में चूड़ियाँ टूटनी नहीं चाहिए, अब शगुन माना जाता है। नंबर तीन, बंगाली में चूड़ियाँ। बंगाली में जो चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं उन्हें सीपो कहा जाता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग उसे साखा या पोला भी कहते हैं। कहते हैं इन चूड़ियों को पहनाने से उनकी शादियों में ये चूड़ियाँ सीपो के नाम से ही बनाई जाती हैं। वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ खुद अपने घर पर बनाते हैं। कहते हैं जब दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो उसकी सास उसे लोहे की चूड़ियाँ देती हैं, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है। नंबर चार, गुजरात और राजस्थान में। गुजरात और राजस्थान में लड़की को चूड़ियाँ हाथी के दांतों से बनी हुई देते हैं। कहते हैं ये रस्म मामा निभाते हैं। मामा उसे ये चूड़ा और लाल रंग की साड़ी और उस पर लाल कलर का बॉर्डर उसे गिफ्ट करते हैं। नंबर पाँच, पंजाबियों की शादी में। पंजाबियों की शादियों में लड़की को हाथी के दांतों से बनी हुई चूड़ा ही देते हैं। कहते हैं ये चूड़ा 40 दिनों तक रहता है। यह चूड़ा मामा ही लेकर आते हैं। पारिवारिक परंपराओं के अनुसार यह चूड़ा 1 साल तक लड़की के हाथों में पड़ा ही रहता है। नंबर छः, महाराष्ट्रीय में चूड़ी पहनने की परंपरा थोड़ी अलग है। वहाँ पर लड़कियाँ हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, उसके साथ तोड़े नामक नकासीदार एक कड़ा भी होता है जो दुल्हन के हाथ में पड़ा हुआ होता है। कहा जाता है हरा रंग प्रजनन सुख को लेकर आता है। इस महाराष्ट्र में लड़कियों को हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना अनिवार्य कहा गया है। कहा जाता है यह चूड़ा उनकी परिवार की तरफ से लड़की को गिफ्ट में मिलता है। नंबर छः, हर चूड़ी का हर कलर का कोई ना कोई महत्व होता है। कहते हैं हर चूड़ी के रंग का दुल्हन के जीवन पे नया अवसर, नई खुशियाँ, नई समृद्धि और प्रजनन एक तरह की सीमाओं का यानी कि सभी तरह की कारणों का फर्क पड़ता है। इसलिए भी कहा जाता है कि चूड़ियों का अपने अपने देशों में अलग ही महत्व माना गया है। तो ये थे चूड़ी पहनने के कारण। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।